देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी, जो लखनऊ सीमा से सटा हुआ काफी करीबी जनपद है, यहां पर कल यानी 16 सितंबर को सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है। जनपद बाराबंकी में मुख्यमंत्री की जनसभाओं को लेकर यहां पर विस्तृत स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर युद्ध स्तर की तैयारियां चल रही हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहां पर है, यहां पर अधिकारियों ने अपने पाँव जमा दिए हैं अधिकारी, और प्रत्येक तरह से यह प्रयास किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आयोजन को लेते हुए किसी भी प्रकार की कमी ना हो पाए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कल IG रेंज यहाँ पर पधारे थे, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। वैसे तो जनपद बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं विधानसभा जैतपुर के हरक क्षेत्र में और सदर विधानसभा के GIC मैदान में होगी। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद बाराबंकी के GIC मैदान में, जहां पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां काफ़ी तेज़ हैं और यहां पर युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर बैरिकेडिंग की जा रही है और किस तरह से रास्ते को सुगम बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो कार्यक्रम है, ये कई मायनों में अहम है, क्योंकि इन जनसभाओं के द्वारा ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ चुनावी बिगुल भी फूकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री इन जनसभाओं के दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और उसका शिलान्यास भी करेंगे। वहीं कई ऐसे लाभार्थी हैं जो मुख्यमंत्री के हाथों से लाभ भी प्राप्त करेंगे, जिनमें कृषक भी हैं और जिनमें वेल्डिंग मशीन भी प्रदान की जाएगी। हालांकि अगर दूसरे नज़रिए से बात करें तो ये वो दोनों विधानसभा हैं जहां पर भाजपा को हार मिली है। जैतपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते तो थे, लेकिन उसके बाद वहां के विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद के तौर पर प्रस्तुत कर दिया। जनता ने जिसे स्वीकार किया और उन्हें वर्तमान समय में सांसद बना दिया था। उसके बाद जैतपुर विधानसभा की सीट खाली हो गई थी, जहाँ के उपचुनाव में भाजपा को करारी हार देखने मिली। वहीं सदर विधानसभा की अगर बात करें तो यहां पर दो बार से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है और कहीं ना कहीं इस जनसभा को इससे जोड़कर ये जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि जनपद बाराबंकी में ऐसी विधानसभा जिस पर भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई थी, भाजपा नेतृत्व ने यहां पर दर्जा प्राप्त मंत्री वीरेंद्र तिवारी को कार्यपालक बनाकर भेजा था और उनके यहाँ पर आगमन के बाद, उनके विश्लेषण के बाद ही इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भाजपा इस बार पूरी तैयारी से है ताकि जो भी सीटें हारी थी उन पर भी जीत हासिल हो सके। हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश भी चरम पर है। भाजपा कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके किसी भी तरीके से इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं और तमाम ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने की तैयारी कर रही। आने वाले समय में इस जनसभा का जनता के ऊपर क्या असर होगा, बाराबंकी के चुनाव में जिस प्रकार से यहाँ 6 विधानसभा की सीटें हैं, ऐसे समय में मुख्यमंत्री का इस तरह से कार्यक्रम होना कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल को फूंकने जैसा लिख रहा है। लेकिन यहां कहना यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुख्यमंत्री के इतने बृहद कार्यक्रम से विपक्षी पार्टी के होश उड़े हुए हैं। हालांकि आने वाले समय में इस जनसभा का क्या असर होगा, यह देखने वाली बात होगी। द इंडियन ओपिनियन के लिए जनपद बाराबंकी से सरदार परमजीत सिंह के साथ नीतीश मिश्रा।